हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीली फ्लेवर्स। आज हम बनाएंगे कटहल के कोफ्ते। सिंपल सिंपल इंग्रेडिएंट्स से घर में ही बहुत इजीली बन जाती है। बाहर के स्नैक्स खाने से अच्छा है आप घर पर ही इसको बनाएं और बच्चों को खिलाएं। ये उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आइए हम देखते हैं कटहल का कोफ्ता कैसे बनाएं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम कटहल। इसको नमक डालकर उबाल लिया है। एक बड़ा आलू जिसको मैंने उबाल के मैसे मैश कर लिया, और एक बारीक कटा हुआ प्याज, से पांच दरदरा कटा हुआ हरी मिर्च, चार से पांच बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, तलने के लिए सरसों का तेल, चार से पांच चम्मच बेसन, स्वाद अनुसार नमक। अब इसे एक ग्रेटर से कटहल को ग्रेट कर लेंगे। हमारी कटहल ग्रेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसमें आलू को भी अच्छे से मसल लेंगे। हमने कटहल के साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, साथ में कुटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, सबको डाल देंगे। एक बड़ी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे, साथ में हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। डालकर इसको मिला लेंगे। इसमें हमने कटहल और आलू के साथ मसालों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें बेसन डालेंगे। बेसन को डाल लिया हमने, अब इसके साथ इसको हमने बेसन को भी आलू और कटहल के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालकर इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और अब ये कटहल और आलू के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसमें पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये अब तलने के लिए तैयार है। मैंने इसे राउंड शेप दिया है, ध्यान रहे ये ज़्यादा मोटा ना हो। इधर मैंने एक कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है। अब इसमें कोफ्ता को डालकर फ्राई करेंगे। फ्लेम को लो करके ही इसे तलेंगे। इसे हम दोनों तरफ से पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमारी कोफ्ता हल्की फ्राई हो चुकी है। अब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा लेंगे। देखिए हमारा कोफ्ता अच्छे से तल चुका है। अब कोफ्ते को एक प्लेट में टिश्यू पेपर डालकर निकाल लेंगे ताकि टिश्यू पेपर सारे एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब कर ले। देखिए हमारा कटहल का कोफ्ता बनकर तैयार है। ये घर में बहुत इजीली बन जाती है। आप भी इसे बनाएं और घर में सबको खिलाएं। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगा। आप भी इसे बनाएं और इसका टेस्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।